और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारियों पर अब सख्ती की तैयारी कर ली गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देर रात से आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन आंदोलनकारी ने अभी तक जेएलएन मार्ग खाली नहीं किया है। बगैर अनुमति के यहाँ पर एम्बुलेंस कर्मी बैठे हुए हैं और इन्हें यहां से हटाने की कवायद अब चल रही है। फिलहाल शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को धरने की अस्थाई मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस कर्मियों ने जेएलएन मार्ग खाली नहीं किया है और इसीलिए अब भारी पुलिस बल की तैनाती जेएलएन मार्ग पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर कर दी गई है। तो देर रात से ही समझाने की कवायद, अधिकारी लगातार एम्बुलेंस कर्मियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जेएलएन मार्ग पर जो डेरा डालकर एम्बुलेंस कर्मी बैठे हुए हैं उनसे शहीद स्मारक पर जाकर आंदोलन करने की बात कही जा रही है। अभी फिलहाल हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, तो क्या पुलिस बल यहां पर इसीलिए तैनात किया गया है कि अब एम्बुलेंस कर्मी जब नहीं मान रहे हैं खुद से जेएलएन मार्ग खाली नहीं कर रहे हैं तो वहां से उन्हें खदेड़ा जा सकता है? संविदा कैडर में खुद को शामिल करने को लेकर के आज पांचवा दिन लगातार है जहां पर एम्बुलेंस कर्मी 108 104 जो है वो आंदोलन कर रहे हैं या बैठ चुके हैं और शांतिप्रिय अभी तक इनका आंदोलन देखा जा रहा है, लेकिन तीन दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक किसी चीज का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। ऐसे के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर जो ये लोग बैठे हैं उनके सामने आप देखेंगे कि पुलिस का भारी जाब्ता जो है तैनात कर दिया जा चुका है और पुलिस अधिकारी भी आला अधिकारी हमारे साथ यहाँ मौके पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है या फिर इन्हें यहाँ से हटाने के लिए क्या कुछ आगे कोई बल प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हमारे साथ मौजूद है सर, कुछ क्या जी क्या आगे क्या रहेगा उनको हटाने के लिए किसी तरीके क्या नहीं बातचीत चल रही गवर्नमेंट लेवल पे, एक बार बातचीत चल रही, इनको धरना स्थल शहीद स्मारक अलॉट किया गया वहीं जाने के लिए कहा जा रहा है इनको। बस देर रात से समझाइश की जा रही है, पिछले पांच दिन से भी समझाइश की जा रही है, ऐसे के अंदर अगर अब ये लोग यहाँ से नहीं उठते तो आगे क्या? आगे बातचीत चल रही, देखते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसा हमने जाना कि अभी बातचीत का दौर फिलहाल जारी है और ऐसे के अंदर इन्हें यहां से हटाने के लिए किस तरह की जो है कवायद की जा सकती है वो आगे देखने को मिलेगी। ऐसे हम कुछ लोगों से बात करके आपको बताना चाहेंगे। सर, हमारी कंपनी से ये मांग है और हम कंपनी के तौर काम नहीं कर रहे हैं और हम सरकार से एक ही मांग है हमारे और हमको संविदा केंद्र में ले और हम वहाँ से भूख हड़ताल में, मैंने कल से खाना नहीं खाया और मेरी तबीयत खराब है, उसके जिम्मेदार कंपनी या सरकार होगी और मैं आज से वादा लेता हूँ जब तक हमारी मांग नहीं होगी तब तक हम भूखे रहेंगे। और हम सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं इसकी आपको परमिशन नहीं दी गई थी, ऐसे में आपके लिए अस्थायी जगह मंजूर की गई है, तो वहाँ इस बारे में होता है? सर, हमारे लिए हमने पहले मांगा था, फिर पहले क्यों नहीं किया, आज रात 12 बजे क्यों किया इन्होंने, ये इसमें कुछ हमको घपला लग रहा है, हम उस घपले को नहीं स्वीकार करना चाहते, हम बजरंग बली के नाम से हम आज जीतेंगे और सरकार से हमारी यही मांग है एक ही कि हमें संविदा कर्मी में शामिल करें, अंत हम यहाँ नहीं हटते हैं, चाहे हम मर जाए कर जाए और हम यहाँ से हटने वाले नहीं है चाहे कितना प्रशासन आ जाओ हमारे। देखिए शालिनी, किस तरीके से लोगों में जोश बरकरार है, ये लोग हटने को यहाँ से अभी तक तैयार नहीं है और हर तरह के प्रयास जो हैं वो सरकार और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन 108 104 जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि चाहे जो भी हो हम अपनी मांगों को मनवा कर ही मानेंगे। जी गौरव, आप एम्बुलेंस कर्मियों से ये भी पूछिए कि अब पुलिस द्वारा लगातार अधिकारियों द्वारा इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, शहीद स्मारक कहीं ना अलॉट किया गया है धरना देने के लिए, वहां बैठने के लिए, विरोध करने के लिए और अब भारी पुलिस बल की तैनाती, ऐसे में अब ये क्या करेंगे, इनका अगला कदम क्या होगा, क्या ये शहीद स्मारक जाएंगे? चालिनी, अभी समझाइश की जो कार्रवाई है वो चल रही है क्योंकि देर रात से ही आंदोलनकारियों को समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको आंदोलनकारियों से बात करवाई तो उनका कहना है कि अभी हम इस जगह को खाली करने को तैयार नहीं हैं, हम यहीं बैठेंगे और जेएलएन मार्ग पर जो बगैर अनुमति के हम लोग बैठे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना था। चूंकि फिलहाल शहीद स्मारक पर जो आंदोलनकारियों को धरने की मंजूरी दी गई है उसको देखते हुए ये एक चीज देखी जा सकती है कि हो सकता है पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करके इस जगह को फ्री करवाए, चूंकि ये जेएलएन मार्ग जयपुर का व्यस्ततम मार्ग है और अमूमन जितने भी पेशेंट्स जो होते हैं, जितने मरीज जो होते हैं, आने जाने के लिए इसी मार्ग का जो है उपयोग करते हैं। शालिनी,
चलिए शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जेएलएन मार्ग पर अभी फिलहाल बैठे हुए एम्बुलेंस कर्मी, उन्हें वहां पर आंदोलन करने की परमिशन नहीं है, उन्हें शहीद स्मारक अलॉट किया गया है। लगातार अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एम्बुलेंस कर्मी कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। हमारी मांग है कि हमें ठेका प्रथा खत्म करके संविदा कर्मी के तौर पर नियुक्त करे सरकार। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्या जेएलएन मार्ग से शहीद स्मारक एम्बुलेंस कर्मी जाते हैं या फिर पुलिस को कोई एक्शन लेना पड़ सकता है।